बड़वानी जिला मुख्यालय पर नगर व आसपास के राशन दुकान संचालकों ने जिला आपूर्ति अधिकारी को आवेदन दिया। सर्वर डाउन होने के कारण POS मशीन में थम्स नहीं लगने से राशन वितरण में दिक्कत आ रही है। ग्राहक विवाद करते हैं, ऐसी स्थिति में हम दुकानदार क्या करें। इस नई व्यवस्था के लागू होने से सेल्समैनों की मानसिक तनाव के स्थिति में है और उपभोक्ता भी परेशान है। सर्वर बंद होने से उपभोक्ताओं के राशन वितरण का समय बढ़ाया जाए। जिला आपूर्ति अधिकारी कोष्टा ने राशन दुकानदारों की समस्याओं को उच्च स्तर पर पहुंचाने की बात कही। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। सर, नागरिक हमने खाद्य जिला आपूर्ति अधिकारी महोदय को जो POS मशीन में सर्वर की समस्या आ रही है उससे अवगत कराया है, क्योंकि ग्रामीण वाले लोग कम से कम 3 से 4 दिन तक अपनी रोज की डेली मजदूरी छोड़कर राशन लेने आ रहे हैं। POS मशीन की जो योजना है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन सर्वर की बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर सर्वर सही समय पर अगर उपलब्ध होता है और सही निर्धारित समय पर, तो राशन बांटने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पिछले 4 माह से हम ऑनलाइन राशन बांट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ माह जुलाई में सर्वर की इतनी दिक्कत आई कि राशन वितरण करने में बहुत समस्या आ रही है। तो हमारा भोपाल सचिवालय से भी यही महोदय है, महोदय जी से निवेदन है कि सर्वर की समस्या को दूर किया जाए तो राशन वितरण करने में कोई समस्या नहीं आएगी, और शासन के सारी जितने भी नियम है उसके अंतर्गत काम हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। क्या क्या विसंगतियाँ है और इसके अलावा? इसमें सर्वर की ही मेन समस्या है। जो राशन बच जाएगा अभी उसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे? उसके लिए अभी हमने सर से निवेदन कहा है, सर ने आश्वासन दिया है कि शाम तक सर्वर की समस्या दूर हो जाएगी। अगर सर्वर की समस्या दूर नहीं होती है तो भोपाल मांग करेंगे और भोपाल से जो भी आदेश होगा उस आधार पर हमें निर्देश दिए जाएंगे। अगले ज्ञापन दिया गया है आपको, जो ज्ञापन प्राप्त हुआ है वो समस्या ये है कि सर्वर बहुत डाउन चल रहा है और इस कारण पूरे माह में वितरण प्रभावित हो रहा है। और ये स्थिति बनी हुई है और ये सारा सर्वर की जो कार्रवाई है वो भोपाल से संचालित होती है। अभी इस माह में जो जुलाई माह में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो ज़िले में अभी जो अपनी दुकानें हैं वो 434 दुकानें हैं। वो 434 दुकानों में से 120 दुकानें ऑफलाइन हैं, बाकी सारी की सारी दुकानें ऑनलाइन हैं। और ऑनलाइन में डिस्ट्रीब्यूशन करने में जब तक क्या कहते हैं सर्वर काम नहीं करता है तो दुकानदार खाद्यान्न वितरण करने में उनको दिक्कतें आती हैं। और इस संबंध में हम बाकायदा जो हमारा फोर्ट बना हुआ है व्हाट्सएप में, उसमें हम ग्रुप में जानकारियाँ बाकायदा कमिश्नर साहब को भेज रहे हैं, और मुझे जैसे ही दिशा निर्देश मिलेंगे हम इनकी वितरण के लिए जो भी निर्देश होगा तत्काल हम उनसे अवगत कराएंगे। सर, जिस पर 4-5 दिन के कारण जो वितरण नहीं हो पा रहा है तो शेष राशन बच जाता है, ऐसे के लिए जो भी हमें निर्देश अगर अवधि बढ़ाई जाती है तो निश्चित हम इनको दूरभाष के माध्यम से अवगत कराएंगे।